एक्सप्रेस और आप देख रहे हैं पीपीपी ए 24 न्यूज। मैं दिखा रहा हूं आज आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। देश दुनिया में अपना नाम कमा चुकी ये फैक्ट्री आज मजदूरों की हड़ताल होने पर विवश है। ये मैं दिखा रहा हूं दोस्तों, आज मैं आज दिखाऊंगा आपको कि मजदूर लोग क्यों हड़ताल पे विवश हैं। सरकार की नीतियों की वजह से आज मजदूर लोग हड़ताल पर विवश हैं। जिसको माननीय जवाहरलाल नेहरू ने एक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत कि अगर किन्हीं कारणों से बुढ़ापे में कोई व्यवस्था नहीं हो पाती तो उसके लिए उसको पेंशन दिया जाना चाहिए। अगर सरकार आपको बुलाती है टेबल टॉक करने के लिए तो आप क्या राजी हैं? बिल्कुल राजी है, हमारे महासंघ वहाँ जाते हैं बात करने के लिए। सरकार बात नहीं करना चाहती है, सरकार कोई जो डेट देती है वादा खिलाफी करती है। वो कहती है कि हमारे इन शर्तों को मानिए आप, तब हम आपसे बात करेंगे। तो लाश इसलिए हो रहा है, लाश देखिए जैसे काम नहीं है, इसमें लगभग 4 महीने से काम नहीं है और 14,000 अगर 1400 कर्मचारियों को वेतन अपना ले जा रहे हैं और हम लोग का कार्य जो है वो हम लोग डेली वेजेज वर्कर हैं। हमारा जो पे है पर डे का, वो पर डे के पे का हमको प्रोडक्शन करना ही करना है। उसके ऊपर अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो जब हमको काम ही नहीं मिल रहा है, हमको काम ही करने के लिए नहीं मिल रहा है तो फैक्ट्री का ऑटोमेटिक लॉस होगा। वो हमारे कारण नहीं होगा, वो भारत सरकार की नीतियों के कारण होगा। मीडिया के माध्यम से रक्षा मंत्री को कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहता हूँ कि हमको काम दिया जाए, आप हमको टारगेट दें, आप जिन चीज़ों में समझते हैं कि ये चीज़ें खराब हैं उनको हमारे महासंघ के लोग उस सीट को दूर करेंगे।